मियामा के ॿुधाइनि था लहूं त हिन वक़्तु कराची में पीटीआई चेयरमैन तकरीब खे ख़िताब करे रहियो आहे। अचो त ॾिसो, महांगाई सभु बड़ी वजह करप्शन छो न पई करता कीमत वांगुरु अदा करती है महांगाई जे ज़रिए, और फिर ये चोरी करके हुकुमरान मुल्क का सफा ले जाते हैं, मुल्क को मकरूज कर देते हैं, अवाम पे कर्जे चढ़ जाते हैं। हर पाकिस्तानी के आज 1,30,000 कर्जा चढ़ चुका है हर पाकिस्तानी। ये जब दोनों आने से पहले जरदारी और नवाज शरीफ के आने से पहले हर पाकिस्तानी पे 30,000 रुपया कर्जा था। 9 सालों के अंदर इन्होंने हर पाकिस्तानी को 1,30,000 का मकरूज कर दिया। चोरी ये करते हैं, मकरूज आपको कर देते हैं। जब कर्जों की किस्तें अदा करनी पड़ती है आपके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, टैक्स डीजल महंगा, डीजल जाने के मौलाना फसल जमान पे टैक्स, उससे पेट्रोल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, सारी चीजें महंगी। लोगों के पास नौ साल पहले आपका 100 रुपया जो चीजें खरीदता था, यानी जो अगर आप बैंक में 9 साल पहले आपके पास 100 रुपया पड़ा था, आज वो 100 रुपए की कीमत 50 रुपए रह गई है 9 साल के बाद। तो आप कौम गरीब होते जा रही है, ये चोर अमीर होते जा रहे हैं। जब वो कहते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला, उसको इसलिए निकाला कि वो आपको पैसे चोरी कर रहा था। तो इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन भरपूर तरीके से आपने हमारे साथ मिलकर लड़ना, और मैं यही पाकिस्तान आप देखेंगे, सिर्फ चोरी खत्म करके इदारे मजबूत करके, और बजाय पैसा चोरी करके जो बाहर जाता है वो अपने बच्चों पर खर्च करें, अस्पतालों पर खर्च करें, साफ पीने का पानी पर खर्च करें। ये जो एनएचए टैक्स लेती है, ये टैक्स आप ट्रांसपोर्टर के लिए सहूलतें बनाए, यही पैसा जो चोरी होता है ये जब अवाम में खर्च होगा ये खुद ही कौम पर खड़ी हो जाएगी, खुद ही एक अजीम कौम बन जाएगी। तो मैं शहजाद आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो ये कि इस कौम के मेहनत कश लोगों को हम उठाएं, जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर पाकिस्तान चलता है। ये जो चोर मेहनत कश का पैसा चुराते हैं ये पाकिस्तान को मकरूज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 2018 और अच्छा मुझे ये पता चला है खैबर पख्तूनख्वा की कस्टम पुलिस तंग कर दी। ये कस्टम पुलिस फेडरल गवर्नमेंट के नीचे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे, जिधर भी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट वो होगी चोर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब हमारी गवर्नमेंट वहां। नहीं वो मैंने टर्मिनल की बात कर दी है, वो इंशाल्लाह करेंगे। मैं 2018 के बाद इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट की मेरे से बात कर रहा, 2018 से पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई भी आपको पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम हो, शहजाद आपका काम है मुझे बताना, मैं आपका मसला हल करूंगा पख्तूनख्वा में। बहुत बहुत शुक्रिया।